नमस्कार, आइए आज हम फरा बनाना सिखाते हैं। इसके लिए हमको ये सामग्री चाहिए: भींगे हुए चने की दाल, लहसुन, अदरक, जीरा, हींग, नमक, तेल और हरी मिर्च। ये देखिए, 5-6 घंटे पहले दाल भींगी हुई है चने की, ये हरी मिर्च है, ये लहसुन है, ये 1 चम्मच छोटा हींग है, ये 2 चम्मच जीरा है, ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। और इसको अब हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। देखिए ये पेस्ट हो गया इसका। इसको दरदरा करना है, ज़्यादा महीन भी नहीं रहेगा और ज़्यादा मोटा भी नहीं। अब ये चने की दाल हमने डाल दी, चने की दाल मिक्सी में पीस लीजिए। ये देखिए इसका भी पेस्ट बन गया, दरदरा ही रहेगा, ये भी महीन नहीं रहेगा। अब इसमें हम मसाला मिलाएंगे और नमक। सारे मसाले को जो पीसा हुआ मसाला है और नमक, उसको हम मिला दिए इसमें। देखिए ये देख लीजिए, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये बढ़िया से जब मिक्स हो जाएगा तो इसमें धनिया की पत्ती डाल दीजिए, हरे धनिया की पत्ती। अब कढ़ाई चढ़ाइए गैस पे, उसमें 2 लीटर पानी डालिए, 2 लीटर पानी। इसमें नमक डालिए थोड़ा सा, और इसमें कोई भी रिफाइंड ऑयल आप डाल सकती हैं। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी डालिए, या कोई भी रिफाइंड आप डाल सकती हैं, ताकि फरा बनाते समय चिपके ना। ये देखिए आटा हमने पहले से तैयार किया है। अब हम नींबू के आकार की लोई लेंगे। ये देखिए ये नींबू के आकार की लोई है। अब इसको जो है हम सूखे आटे में लपेट के बेल लेंगे। ये बहुत मोटा भी नहीं रहेगा ना पतला, इसको चारों तरफ से घुमा घुमा कर बेलना है। ये देखिए, ये छोटी पूड़ी के आकार में आप बेल लीजिए इसको। ये आप बेल लीजिए इसको, देखिए चारों तरफ से घुमा के बेलना है इसको एक साइज में। और ये देखिए, अब इसमें जो हमने चने का दाल पीसा है, वो चम्मच की सहायता से लेके आप इसमें फिलिंग भर लीजिए, 1 चम्मच भर के इसमें डाल लीजिए, और इसको चारों तरफ से सील पैक कर दीजिए, सील कर दीजिए जैसे गुजिया को बंद किया जाता है। अब ये पानी देखिए, कढ़ाई में पानी खोल रहा है। अब इसमें आप फरा डाल दीजिए। इतने पानी में हम 10-12 फरा बना सकते हैं आराम से। एक और हम आपको बनाकर बता रहे हैं। देखिए एक और हमने बनाया है, ये देखिए, इसको भी बराबर से चारों तरफ से बेल लीजिए, इसमें भी फिलिंग भर के इसको भी चारों तरफ से पैक कर दीजिए। अब इसको पानी में, उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। ये देखिए ये हो गया। अब इसको आप 10-15 मिनट के लिए ढक दीजिए। देखिए इसमें हमने 12-15 फरा हमने बनाया है। ये देखिए ये पक गया है। जब ये फरा पक जाएगा तो ये ऊपर से कड़ा हो जाएगा थोड़ा। ये देखिए ये पक गया है, और ये जो पानी इसका है, ये पानी बहुत टेस्टी होता है, जिसको कि माड़ बोलते हैं, यूपी में माड़ बोलते हैं। आप इसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में फरे के साथ। आइए अब हम प्लेटिंग करते हैं। देखिए हरी चटनी के साथ, और ये पानी जो फरे का पानी है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।